तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जंक्शन के एक और नए ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग में आप एंजॉय करेंगे जर्नी भटवाड़ों से ललितपुर की, क्योंकि वहाँ है मेरे मामा की लड़की की शादी। तो हम हो चुके हैं तैयार अपने मामा के घर जाने के लिए, और मैंने डाल दी अपनी ये पहाड़ी जंक्शन वाली टी शर्ट, ठीक है, और साथ में मैंने एक कमीज रखी है क्योंकि इसके हाफ बाजू हैं। और कल बारिश तो हुई थी लेकिन आज मौसम बहुत जो है साफ़ सुथरा निकला है, तेज़ धूप निकल रही है तो हाथ जो है सनबर्न हो जाते हैं। उसके लिए एक फुल बाजू की शर्ट रखी हुई है, तो जहाँ पे धूप लगेगी वहाँ पे इसको पहन लेंगे, ठीक है। तो फाइनली हम निकल चुके हैं अपने मामू गाँव के लिए, यानी मामा के घर जाने के लिए। और मैं, मेरे साथ मेरा हमेशा का टीम मेंबर, ठीक है, और मेरे साथ है मेरी मम्मी। तो मम्मी चली गई है आगे, मैं और अमनदीप चल रहे हैं पीछे पीछे। और ये मेरी पहाड़ी जंक्शन की टी शर्ट अंदर से, जैसे मैठणा घाट रस्या महादेव ऐसी जगह में पहुँचेंगे वहाँ मैं अपनी शर्ट उतार दूँगा। बाकी आप लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हो, और अगर कोई पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है, पहली बार मेरे चैनल पे आया है, तो यार सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उसको प्रेस करके ज़रूर जाना, और बेल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन करके रख लेना। और एक खूबसूरत नज़ारा आज के मौसम का हाल बताता हुआ कि आज कितना साफ मौसम है। और हम तो पहुंच गए भटवाड़ो बस स्टैंड पे, लेकिन आज है लॉकडाउन रविवार, आज नहीं आ रही है कोई गाड़ियां, तो हमें करना पड़ेगा काफ़ी देर वेट। अगर कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो घर वापस जाना पड़े। और ये है भटवाड़ो का यात्री सेट जहाँ से हमें बसें मिलती है। यहाँ से ऊपर को जो रोड जा रही है ये जाती है रामनगर, नीचे वाली जाती है हमारे कोलरी में, कोलरी होते हुए आगे। और ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो रोड जाती है, ये जाती है बीरोखाल बैजरो सूसी। अभी तो करते हैं थोड़ा वेट। और काफ़ी देर बाद इंतज़ार करने के बाद हमें एक वाहन मिला जिसे आप सब ट्रक कहते हो, तो इसमें जाएंगे मैठणा घाट तक, क्योंकि आज बस और टैक्सी सब बंद है। फाइनली उतर गए मैठणा घाट में, और ये एक बॉर्डर जी की दुकान बहुत पुरानी है यहाँ पे मैठणा घाट में। तो यहाँ से थोड़े बिस्कुट और थोड़ा कुछ खाने पीने का सामान रखेंगे, क्योंकि आज पूरा बाज़ार बंद है, लॉकडाउन है, संडे है, तो इस वजह से मैठणा घाट का बाज़ार बिल्कुल बंद है। और ये बॉर्डर जी का व्यवहार बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, ये खूबसूरत नज़ारा हमारे मैठणा घाट का ये देखिए। अब आपको ले चलता हूँ दूसरी साइड कैसा है इसका। तो ये है मैठणा घाट का दूसरा रौला, यानी जहाँ से नदी आती है, ठीक है, और ये एक गली टाइप की है जो सीधे बॉन्ड में निकलती है। और यहाँ पे काफ़ी दुकानें हैं अच्छी अच्छी, तो जो ऊपर से आते हैं तकलसरी ललितपुर और गुइन से, तो वो लोग इधर शॉपिंग करते हैं, यहाँ से सामान लेते हैं, और ये रास्ता जाता है। और फिलहाल मम्मी और अमनदीप ले रहे हैं यहाँ पे और सामान, केले वगैरह,
और ये हमारी गाड़ी हो चुकी है तैयार जाने के लिए। और ये चाबी घुमाई और हो गया स्टार्ट। तो अब मजे लेंगे थोड़ी देर रास्ते का, कैसे रास्ते से हम होते हुए गुजरते हैं। और जो ड्राइवर भाई साहब है काफ़ी अच्छी, और आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ इन खूबसूरत वादियों का, इन खूबसूरत रास्तों का। और जैसा कि मौसम है, नीला आसमान, साफ हवा, तो मज़ा आ गया। और ऊपर से जो गाड़ी में गाने बज रहे थे, तो रास्ते का तो पता ही नहीं चला कि कब हम 10-15 किलोमीटर आ गए। और मैंने ऑडियो बंद कर लिया क्योंकि उससे कॉपीराइट आने का थोड़ा डर रहता है, तो इसलिए मैंने उस साउंड को बंद किया हुआ है जो ओरिजिनल साउंड है। और यहाँ पे फुल संक्रांति के दिन एक बहुत ही भयानक घटना हुई थी। एक 16 साल का लड़का इस टैक्सी से जो है टैक्सी चलाना सीख रहा था और उसने नीचे गिरा दी, जिसमें वो लड़का एक्सपायर हो गया और उसके साथ वाला अभी भी हॉस्पिटल में है। बंदी ला कहाँ और फाइनली हमारा स्टेशन आ गया, तो हम लोग यहाँ पे उतर रहे हैं। और मम्मी अंदर से सामान निकाल रही है। अब यहाँ से चढ़ाई करेंगे शुरू। अरे बोला कह गाँव थे सुन रहा। ए रुक जामन साइड लगा। अरे 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 और मम्मी बता रही थी कि उनके टाइम में ये सब स्यारे हुआ करते थे। स्यारे मतलब जहाँ पे धान होते थे, और इधर ऊपर मम्मी गोर चराने आती थी। यहाँ पे है महादेव और माता महाकाली का मंदिर, जो छोटा सा दिख रहा है ये महाकाली का है और ये भोलेनाथ का है। तो ऐसे ही हमारे पहाड़ को जो है देवभूमि थोड़ी ना कहा जाता है। फाइनली लंबे सफ़र के बाद हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे जहाँ पे है शादी, यानी अपने मामा के घर में। और इस शादी की बाकी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि एक साथ इतनी लंबी वीडियो डालना बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादा टाइम ले ली थी, कम से कम 3-4 दिन। और वैसे आपको पता ही है नेट कितना स्लो चलता है अपने पहाड़ों में। तो बाकी वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहें, ठीक है। और काफ़ी मज़े आने वाले हैं आने वाले वीडियोस में।